इंदौर जिले के गौतमपुर में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पैसा डबल करने के नाम पर 1,30,000 रुपए गवा दिए और जब पैसे वापस नहीं आए तो 22 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला गौतमपुरा का है जहां गुड़ बाजार में 22 वर्षीय बेटा यश नामदेव 11 जून को टेलीग्राम के टास्क ग्रुप 13C में जुड़ा था। ग्रुप में डबल पैसे करने की स्कीम से प्रभावित हुआ और ग्रुप के एक सदस्य को पैसे ट्रांसफर करता था। यश को पैसा डबल करने का झांसा दिया गया जिसके लालच में आकर उसने 1,30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। जब पैसे वापस नहीं आए तो वह परेशान हो गया और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। आपको क्या मालूम पड़ा? यश नामदेव टास्क ग्रुप में 12 तारीख से जुड़ा था। शुरू में इसको लालच दिया गया, 100 रुपये डालते तो उधर से 200 रुपये डाल देते और ये सिलसिला 5,000 रुपये तक चला। 5,000 रुपये डाले तो उनने 6,000-7,000 ऐसे डालते थे, पेमेंट ज़्यादा डालते। इसके बाद फिर उन्होंने ज़्यादा पेमेंट डलवाना शुरू किया और पेमेंट रिफंड नहीं करने लगे। आखिरी में इसने 1,30,000 रुपये डाल चुका था ये, और सामने वाले टास्क ग्रुप वाले 2-2.5 लाख रुपये तक की डिमांड कर रहे थे तो इसके पास पेमेंट नहीं होने के कारण ये पेमेंट डाल नहीं पाया और आखिरी में इतना बड़ा इसने कदम उठा लिया। हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस तरह के जो टास्क ग्रुप है इन पे बैन लगा दिया जाए और इनको सख्त कार्रवाई कर इनको सजा दी जाए कि आने वाले समय में और कोई ऐसा बच्चा इस तरह कदम नहीं उठाए। आपका नाम? पिंटू नामदेव। रहा और किस तरह की है? कल थाने पे 2 बजे करीबन सूचना मिली थी। यश पिता चिमन नामदेव नाम का लड़का फांसी लगा दी। मैंने तस्दीक के लिए ASI डावर साहब को भेजा था, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है। 11 तारीख से कुछ मोबाइल पे गेम खेल रहा था या कौन सा ऑनलाइन टास्क था ये तो समझ में नहीं आया, पर कुछ टास्क मिला था उसी में उसने फांसी लगाई है। फांसी लगाते हुए कुछ वीडियो भी बनाया है और? हाँ, 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जिसकी जांच के लिए साइबर सेल इंदौर में भेजा जाएगा। नेपालपुर से संदीप सैन की रिपोर्ट।